हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के बना रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में एक फॉर्मूला है जिसे कहते हैं हम शॉर्ट फॉर्मूला। अब ये शॉर्ट फॉर्मूला काम कैसे करता है, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक डेटा है। पहले तो मैं यहाँ पर इसे इरेज कर देता हूँ, ये जो भी इसमें रिकॉर्ड फिल हुए हैं उनको मैं इरेज करूँगा इस तरीके से, ठीक है। ये सिलेक्शन में लेकर के यहाँ से, और इतना डेटा जो भी यहाँ पे आया वो इरेज करना। अब यहाँ पे देखिए सवाल क्या है, यहाँ पे रोल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। अरेंज नहीं है ये, ना तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है, ना तो ये असेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है। तो इसको अरेंज करना है, तो पहले असेंडिंग ऑर्डर देखते हैं, ठीक है। आपको अगर शॉर्टिंग करनी है तो यहाँ से जाके कर सकते हैं, होम टैब से कर सकते हैं, डेटा टैब से कर सकते हैं, अगर 2007 यूज किया है तो, ठीक है। लेकिन ये 365 है, 2021 है, तो यहाँ पर कैसे होगा उसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्या करिएगा, यहाँ पे इज इक्वल टू लगाइएगा, लगा लिया, और यहाँ पे लगाइएगा SORT फॉर्मूला, लगा दिया। अब क्या करना है, अब ये पूरा डेटा आपको कर लेना है, सेलेक्ट कर लीजिए, कर लिया। अब यहाँ पे दो बार कॉमा लगाइएगा, एक बार नहीं, दो बार, ध्यान दीजिएगा, दो बार कॉमा लगाना है। और यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर के लिए 1 टाइप करना है, और ब्रैकेट को क्लोज करके सिंपली एंटर भर प्रेस कर देना है। तो ये देखिए, ये जो है असेंडिंग ऑर्डर में, पहले 2 आया, फिर 4 आया, फिर 7 आया, इसी के हिसाब से ये रिकॉर्ड्स भी आए हुए हैं, आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी शॉर्ट का ही फॉर्मूला लगेगा, शॉर्ट लगा दिया हमने। शॉर्ट लगाने के बाद ये देखिए, हेडिंग को छोड़ करके बाकी सब कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हेडिंग ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है। दो बार कॉमा लगाएंगे डिसेंडिंग के लिए, -1 टाइप करेंगे, ब्रैकेट को करना है क्लोज और प्रेस करना है एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब ये डिसेंडिंग 90 वाला पहले आया, फिर 45, देखिए सबसे ज्यादा, फिर सबसे उससे कम, फिर उससे कम, फिर लास्ट में सबसे कम। तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों ही तरीकों से आप शॉर्ट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ कोई सवाल हो तो जरूर पूछें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।